एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत स्ट्रांग और बहुत पॉजिटिव होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, दैट इज़ चीज़ी गार्लिक ब्रेड। वन सिंपल येट डिलिशियस रेसिपी एंड आई एम श्योर दैट इट्स लाइक्ड एंड लव्ड बाय मोस्ट ऑफ अस। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इस रेसिपी के लिए मैंने लिए हैं बर्गर बंस, साथ में लिया है बटर, दिस इज़ 3-4 टीस्पून बटर। इसके साथ लिया है चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड कोरिएंडर, एक कटोरी लिया है मैंने मोज़रेला चीज़ विच इज़ ग्रेटेड, और स्पाइसेस में मैंने लिया है चिली फ्लेक्स, इसके साथ ही ओरिगैनो और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। जैसे मैंने आपको बताया कि हम यूज़ कर रहे हैं बर्गर बंस, आप देख सकते हैं कि ये पीस फ्लैट था लेकिन ये पीस जो है थोड़ा मोटा है, और इसे हम यूज़ करने के लिए ऊपर से थोड़ा सा कट कर लेंगे ताकि जो बेस हम रखेंगे वो फ्लैट हो जाएगा और इसे हम इजीली यूज़ कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा पोर्शन कट कर लिया है और इसे हम अब इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब हम बना रहे हैं यहाँ पे हमारा बटर विच इज़ गार्लिक बटर। इसके लिए मैंने ले लिया है बटर, और इसमें अब मैं ऐड करूँगी चॉप्ड गार्लिक। तो 1 टीस्पून ऑफ चॉप्ड गार्लिक जो है मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ हमने ऐड किया 1 टीस्पून ऑफ चॉप्ड गार्लिक। अब इसमें मैं ऐड करूँगी चॉप्ड कोरिएंडर, आप कोरिएंडर की जगह पार्सली भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्टली इसमें मैं ऐड कर दूँगी चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो एंड ब्लैक पेपर, और इसे हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब ये बटर जो है वो सॉल्टेड बटर है, बट यदि आप प्लेन बटर ले रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। अब ये जो ब्रेड स्प्रेड हमने बनाया है, जो गार्लिक बटर है, उसे मैं अच्छी तरह बंस पे स्प्रेड कर दूंगी। तो जो बंस का अपर साइड है उस पे हम अच्छी तरह इसे कोट कर लेंगे। तो पहले मैं टॉप पे सब बंस के इसे अच्छी तरह कोट करूंगी। तो देखिए इसी तरह हमें अच्छे से जो बटर है, गार्लिक बटर, वो स्प्रेड करना है टॉप पे। तो चलिए मैं बाकी के बंस भी ऐसे ही कोट कर लेती हूँ। और बंस का टॉप जब हमने कोट कर लिया है तो बॉटम पे भी हम ये थोड़ा सा बटर, गार्लिक बटर लगाएंगे, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बहुत हल्की सी कोटिंग हमें देनी है इस गार्लिक ब्रेड की। और जो ये हल्की कोटिंग जिस साइड में कर रही हूँ वो बेस होगा। तो देखिए सारे बंस जो है मैंने अच्छी तरह कोट कर लिए हैं, और अब यहाँ मेरी बेकिंग ट्रे बिल्कुल रेडी है। तो मैं ये सारे बंस जो है बेकिंग ट्रे पे रख रही हूँ। और ओवन में जाने से पहले लास्ट स्टेप हम करेंगे, जो के है ऊपर से चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ। आप यदि चीज़ नहीं चाहते तो आप ये स्टेप जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि चीज़ी गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं तो मैं बहुत अच्छे से यहाँ मोज़रेला चीज़ जो श्रेडेड है वो यहाँ ऐड कर रही हूँ। तो हम सारे बंस को टॉप कर देंगे विद श्रेडेड मोज़रेला चीज़, और ये बेक होंगे ओवन में फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10-15 मिनट्स एट 200 डिग्रीज, या जब तक कि आपको लगे कि आपका चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो लीजिए, आफ्टर 15 मिनट्स आर गार्लिक चीज़ी गार्लिक ब्रेड इज़ ऑल रेडी। और इसे मैंने टॉप कर दिया है थोड़े से चिली फ्लेक्स के साथ, और आप झटपट हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। लीजिए हमारा चीज़ी गार्लिक ब्रेड इज़ ऑल रेडी एंड इट लुक्स सो यम। आई एम ऑल रेडी टू डिग इन, एंड आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इफ़ यू लाइक द रेसिपी, डू शेयर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इज़ वेल।